हाल ही में वारिस पठान यानी लावारिस पठान ने एक सभा में वो ये कहता है कि हमारी शेरनिया रोड पर बैठी तो तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। तो मैं उस लावारिस पठान को ये पूछना चाहूंगा कि चलो तुम्हारी शेरनिया रोड पर बैठ रही, शेर कहां, जंगल में घास चरने गए क्या, जो शेरनियों को 500 रुपए देकर रोड पर बिठा दिया? क्या वो दम नहीं रहा अब मर्दों में जो हमारी बहनों को आप लोग रोड पर बिठा रहे हो सिर्फ 500 रुपए में? बहुत दुख की बात है। और तुम ये कह रहे हो कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हो। वो छोटा साला भी कहा था इससे पहले 15 मिनट 15 मिनट, अभी तो कुछ नहीं उखाड़ा उसने। हमने कहा था वो समय पर कि अगर दम है तो 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट हैंड टू हैंड लड़ लेंगे, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं रहा। मैं इसी लावारिस पठान को ये कहना चाहूंगा कि चलो यार बहुत हो चुका, तुम लोग भारत का खा रहे हो, भारत में जी रहे हो, भारत में राजनीति कर रहे हो। मैं उन तमाम देशद्रोहियों को ये कहना चाहूंगा कि इस बार आमने और सामने की लड़ाई एक बार हो जाए, तुम्हारे में और हमारे में कितना दम है पता चल जाएगा। और लावारिस पठान ये मत सोचो कि 15 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ है, आज भी कई ऐसे मुसलमान है जो देशभक्त है, तुम्हारे जैसे गद्दार नहीं है। और तुम 15 करोड़ की बात कर रहे हो ना, अगर चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ग्राउंड प्लेस सब तुम बुक कर लो, देख लेंगे कि तुम्हारे साथ कितना मुसलमान खड़ा हुआ है जो 100 करोड़ से टकराए, एक बार देख लेंगे, आमने सामने की लड़ाई एक बार छेड़ लेंगे। लावारिस पठान इस तरह का भाषण देकर फेमस होने का मत सोचो, क्योंकि हम तुम्हारे सबके बाप है और हमारे तुम सब बेटे हैं। तुम लांडों की उतनी औकात नहीं जो हिंदुओं से टकराए, हम हिंदू है, हम तुम्हारे बाप है बेटा, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। और इस तरह का भाषण देकर हमें छेड़ मत, नहीं तो हमारे शेर भी घरों में बैठे हुए हैं और तुम्हारी शेरनिया रोडों पर है, तो हमारे शेर रोड पर निकल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा, और सोच समझ के बोलना। बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते को हम खामोश करवा दिए, अब तुम्हारी बारी है, तुम एक बोलोगे तो हम हजार बोलेंगे ना। तुम लोग हाथों से यानी ताकत से तुम लोग हमारे से नहीं टकरा सकते हो, और ना ही तुम लोग हमसे बातों से टकरा सकते हो। ध्यान रखना लावारिस पठान, हम तुम्हारे बाप हैं। और ये असदुद्दीन ओवैसी की सभा करता है ये बेंगलोर में, और इसकी सभा में कैसे कैसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी तुम लोगों की जो मानसिकता है इससे जाहिर होती है कि तुम लोग किसके समर्थक हो और भारत देश में तुम लोग क्या वातावरण पैदा करना चाहते हो। आज भी कई ऐसे भारतीय हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को उनकी खबर में पहुंचाने वाले कई ऐसे भारतीय हैं, तो उन भारतीयों के निशाने पे तुम ना आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी खबर में डालकर तुम्हारे हूरों के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।